गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। सो आज हम पहुंच गए हैं मुंबई में और यहाँ उतनी ही गर्मी है जितनी गोवा में थी, लेकिन गोवा में इतनी ठंडी हवा चल रही थी, यहाँ तपती हुई गर्मी है, बहुत गर्मी है। हम वैसे ही कंप्लेंट करते हैं कि दिल्ली गुड़गांव में गर्मी ज़्यादा, बट यहाँ पर भी गर्मी कम नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड है पूजा, और जब आपको आप मेरे व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा, तो उसने हमको एक पीजी रेकमेंड करा था कि एक आध दिन के लिए हमको रुकना है बस, क्योंकि तो आप वहाँ पे बस सामान रख के रेडी वेडी होके और फिर हम आगे चल पड़ेंगे। तो अभी फिर सीधा हम जा रहे हैं लोकल रेलवे स्टेशन और फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे अपने पीजी में। तो व्लॉग शुरू करने से पहले वही बात हर बार जो रिपीट करता हूँ कि अगर जो आप व्लॉग पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना और बाकी सारे वीडियोस को भी जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो भाइयों हम अभी हैं मुंबई आ गए लोकल ट्रेन में। यहाँ पे आना तो एक बार लोकल ट्रेन में सफ़र जरूर करना, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और शुक्र बनाओ, जैसे हमने सुना था कि लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, नहीं है इस रूट पे तो नहीं है, आगे हाँ। पता नहीं है, वही बात है, इस रूट पे तो नहीं है, आगे का हमको पता नहीं। हाँ। चलो चलते हैं अपने आगे होगी तो ना चढ़ेंगे नहीं आगे हमने मेट्रो लेनी है, मेट्रो का भी ट्राई करते हैं, भीड़ नहीं मिले। बहुत सस्ती है, हाँ मेट्रो से बहुत 5 रुपये सिर्फ 5 रुपये, क्या बात है, बहुत सस्ती है। सो गाइस हमने अभी की है एक डॉर्मेट्री, यहाँ पे बंकिंग बेड्स हैं। और अगर जो आप मुंबई आ रखे हो इन बजट, अगर आपको रुकना है तो आप ऐसी किसी जगहों पे रुक सकते हो। इनका प्राइस बहुत ही मिनिमल है, 250-300 तक ही होता है। आपको दिखाता हूँ, बनी हुई अच्छी हुई है, साफ़ सुथरी भी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है। सो ये है डॉर्मेट्री, इसमें बंकिंग बेड्स है ऊपर भी नीचे भी, साथ में लॉकर्स, वॉशरूम अवेलेबल है, काफ़ी क्लीन है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अच्छी थी और अच्छी बनी हुई है। तो बस अब हम ऐसे करते हैं, अब हम फटाफट रेडी होते हैं, ब्रश वश कर लिया है और फिर जाके कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन फिर निकलते हैं, कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। पूजा को भी बता देता हूँ मैं कि हम पहुँच चुके हैं, ताकि वो भी उस अकॉर्डिंग हमको बता दे कि कहाँ पर मिलना है और कहाँ चलना है। हमारे बकेट लिस्ट बहुत बड़ी है, हमारे को एक दो टेम्पल्स कवर करने हैं, मरीन ड्राइव जाना है, अच्छा फिल्म सिटी भी घूमनी है, तो दिन बहुत कम है, तो वी हैव टू बकल इट अप। सो फाइनली हम नहा धो के तैयार होके जा रहे हैं मुंबई घूमने, पहले अंधेरी में जा रहे हैं, सबसे पहला स्टेशन अपना अंधेरी जाना है, वहाँ हमारे को पूजा मिल जाएगी, उम्मीद तो यही है। और मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, मुझे लग रही है भूख, और हमको बहुत भूख लग रही है, सच में बहुत भूख लग रही है, कुछ नहीं खा रहा। और यहाँ के लोग अजीब हैं यार भाई, किसी बात पर भी लड़ सकते हैं, हाँ किसी भी बात पे, यहाँ के और गोवा के पता नहीं किस बात का गुस्सा है इनके अंदर, और दो नाक को गुस्सा रखा हुआ है, निकले हुए हैं, हाँ और बार बार छोटे बेघर किया हुआ इनको, हाँ बेघर करके रखा हुआ है भाई, तो इतना गुस्सा तो कुणाल भी नहीं होता भाई, तो बेघर तो ये भी है चलो यार चलते हैं, पहले अंधेरे भी चलते हैं फिर वहाँ पे मिलते हैं पूजा से। तो एज यूजल क्या बोलते हैं, पूजा फोन तो उठाने दी भाई, बहुत आलसी है पूजा, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो रही है पूजा, तो ये ब्लॉग देखी ना तुझे पता चल जाएगा हमने तो कितने फ़ोन करे हैं, फ़ोन उठा हमारा। अब हम यहाँ पे भूख लगे तो कुछ स्ट्रीट फूड खाने आए हैं, थोड़ा सा खाते हैं, सब चीज़ें दो तीन चीज़ें ट्राई करती हैं, देखते क्या टेस्ट है क्या नहीं। हमने ये डबल डेकर बस में भी बैठना है वैसे तो, देखते हैं, ये सारा फास्ट फूड शॉप है, अंधेरी वाली साइड पर बहुत सारी हैं, अब हम इनमें से कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, देखते हैं। अंधेरे में तुमको अंधेरा देखना है अंधेरे में ये रहा अंधेरा अंधेरा मेरे करके, हाँ तेरे, हाँ, तेरे करके सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं सेव पूरी, वो भैया बना रहे हैं हमारी पीछे सेव पूरी हो रही है, ये आ गई हमारी सेव पूरी, अब इसे ट्राई करते हैं, बहुत सुना हुआ है इसके बारे में, ट्राई करके देखते हैं। चार कल मोटी ट्राई, कैसा फ्लेवर? ओके ओके, चल मेरे को मैं ट्राई करता हूँ,
सो नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं अमूल द बेली, ये चीज़ है ये, अभी वहाँ अंकल गर्म कर रहे हैं उसको, ट्राई कर देखते, खा के देखते इसका टेस्ट कैसा है। तो ये है द बेली, इसे ट्राई कर रहे हैं। इससे पहले हम इसे ट्राई करते हैं, कुनाल यहाँ पे कुछ और भी करवा रहा है। तू क्या करवा रहा है, क्या करवाया तूने? फ्रेंकी। फ्रेंकी क्या है? ट्राई करा है, चल इसको ट्राई करता था। ये दबेली है, ये दबेली है। कहाँ पे? यस ठीक है, चल मोंटी तू ट्राई कर। कैसा है? ओके ओके, पर 20 रुपए में कोई माड़े नहीं है खाना। सो ये है फ्रेंकी, अभी हम में से किसी को आइडिया नहीं है कि फ्रेंकी होती क्या है, इस भाई ने करवा ली है बिना आइडिया के, तो देखते यार ट्राई करके। तो ये है फ्रेंकी, चल कुणाल तेरे से शुरू करते हैं, ट्राई कर। कैसा टेस्ट? आलू रोल। आलू रोल, हाँ ये रोल है एक तरीके से, आलू रोल फ्रेंकी। तो ना नहीं काम का यार, ये 25 रुपए वेस्ट है। भूख लग रही है, स्पाइसी है, बुखार है। तो हमने नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं आम रस, ठीक है। ये बहुत सुना है, अभी ये नहीं पता यहाँ पे अच्छा है कि नहीं है, लेकिन हमने सुना तो है बहुत आम रस के बारे में। अब आए हैं तो सारी चीज़ें ट्राई करके ही जाएंगे। पूजा 4-5 किलो तो खाएंगे कम से कम। सही बात है। बाकी पूजा का फ़ोन आ गया है और हम वहाँ खड़े खड़े हैं अंधेरी मेट्रो स्टेशन पे, और हमको जाना है रेलवे स्टेशन अंधेरी ईस्ट। तो पहले लेकिन हम कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। पूजा पे भरोसा नहीं किया जा सकता हम अपनी पेट पूजा खुद करेंगे। इतने में आमरस तैयार हो रहा था, हम खा रहे हैं थोड़ा गोलगप्पे, ये रुकता है नहीं, कहीं नहीं रुकता। गोलू वाला से आ रखे हैं वही तो, और भूखे बिल्कुल ही भूखे, रुक के नहीं रहे हैं। जितने में वो तैयार हो रहा है इतने ये खा लेते हैं। ये देखो ए, 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 आ। सभी के हाथ ऐसे ही होते हैं। हाँ ठीक है, ओके ओके, इसे गर्म है फिर वो मत डलवाओ ना अंकल, ये मत डालना एक में। इससे अच्छा अपने पानी बतवा लेना, सच बता रहा हूँ मैं। ये अच्छा है, माजा जैसा है ना, बेटर है। मोंटी ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, माजा से मच बेटर है, माजा जैसा है आम रस, माजा से मच बेटर है। सही बात है, एक और करवा लेते हैं ना भैया, एक और कर दो आम रसी। सही बात है यार, जग ही दे दो। टेस्टी बहुत यार, ये कौन सी बात बनी है, तू अपना ले ला हमारा पी के। ये गोलू वाला वाले बड़े तेज हो रहे हैं यहाँ पे आके, वाह। अभी हमने पिया नींबू पानी, कितना रुपए का मोंटी? 6 रुपए का यार, 6 रुपए का, 18 रुपए के 3 ग्लास पिया, और हमको अभी यकीन नहीं हो रहा हम कहाँ आ गए हैं। इतना सस्ता खाना है, इतना सस्ता खाना, तभी लोगों के यहाँ पेट निकले हुए हैं। लोग कहते बॉम्बे महंगा है ना, लोग कहते बॉम्बे महंगा है, रहने के लिए होगा, कहीं खाने के लिए नहीं है यार भाई साहब। सामान भर के लेके जाएंगे हम भाई, तो खाने पीने का चले, मीने का पैक करवा लेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे उसको भाई साहब। स्वाद आ गया यार, इतना सस्ता मोटी घर पे नहीं बना सकता। सारा सामान ही क्यों ना ला दो, सारा सामान मैं बना के नहीं दूंगा। देखो सारा सामान ला दो तब भी क्या करना, मैं तो 15-20 रुपए लेगा, 6 रुपए में नींबू पानी, क्या यार।
पहले मिल तो ले, चढ़ जा चढ़ जा, आ तो जाती देख रहा, चढ़ जा चढ़ जा, मिलना बाद में। कैसी है? कैसी है? हो रही क्या? हाय गाइस, यही है पूजा। छोले भटूरे खाने आई थी। अगर याद ना है तो मैंने यहाँ पे आपको वो डाल दूंगा लिंक, लिंक अपने आप देख लेना। देखिए तो प्यारे लग रहे हैं दोनों इकट्ठे। अभी तक पूजा को नहीं पता कौन सा स्टेशन है, इसने पहले बता दिया। क्या बात है, कुणाल के मन की, कुणाल के मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसका कुणाल को डुबा सकते हैं। अब फिर से यहाँ हर जगह इसका यही डायलॉग है, चलो 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 वरना ट्रेन निकल जाएगी। चलो यार चलो, अब यहाँ पे हम खाएंगे वड़ा पाव। यहाँ का बोलते वड़ा पाव काफ़ी अच्छा है, दादर का बहुत फेमस है। तो हम दो तीन वड़ा पाव ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई भी अच्छा नहीं लगा हमें इतना। यहाँ का इसने बताया कि फेमस है तो यहाँ का उम्मीद है हमको कि अच्छा लगेगा। तो ये है भाई साहब दादर की मार्केट, मतलब कुणाल यहाँ से फोन ले रहा है। मैं नहीं ले रहा ब्रो। कुणाल ले ले यार, मैं कभी ले लूंगा। फोन भी मिलते हैं यहाँ पे, आईफोन रास्ते में बिकते हैं। हाँ वही तो देख रहे हैं, आईफोन भी पड़े हैं रास्ते में, चोरी के किसी भी चीज के हैं। तो ये है वड़ा पाव की दुकान जो फेमस बोल रही है, काफी अच्छा है, काफी फेमस है। हाँ चार, रुक जाना तू इधर आ, चार वड़ा पाव कर दो। ये आ गए वड़ा पाव। क्या कह रही है? ये अकेली आई थी यहाँ पे, मैं भी सिर्फ इसका वड़ा पाव खाने आई थी इतनी दूर से। क्या बात है, वेली है। वेली तो है यार, यार कोई काम वाम कर ले, ले मोंटे ट्राई कर। ये बढ़िया है, क्या बात है। तो कैसा है वड़ा पाव? अच्छा है यार, अच्छा है, सच में अच्छा है। नाल इतनी मिर्ची मत खा, मत खा, मत खा, मतलब कर मत खा मत खा, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। पूजा ना ट्रेन हो रही है पूरी। पॉइंट मारना है। नो टेस्टी तो है और पेप्सी के साथ और भी अच्छा लग रहा है, मजा तो आ रहा है खाने में। दादर आना मुंबई क्या? पहले वहाँ चले ना, अंकल बोले ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। क्या भीड़ नहीं है, पहले वहीं चलते हैं, फिर उसके बाद दरगाह चल पड़ेंगे, फिर हाजर अली चल पड़ेंगे। तो यार सिद्धि विनायक चलते हैं, पहले वहाँ इंजॉय करते हैं। हाय पूजा। बाय कुणाल। बंद कर ले कुणाल, गिर कर जाएगा। अब चलते हैं सिद्धि विनायक, 10-10 रुपए में आखिरकार जनता जीती है। चलो यार पहुंच गए हम, रुक जा आंटी को उतरने दे, एक बात होती है, चलो उनको उतरने दो। आंटी नहीं उतर रही, मैनर्स वैनर्स कहाँ चली गई है, सब बेच खा के मुंबई आ गया। तो हमने ये मोदक ले लिए हैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए, येलो वाले मोदक। चलो चप्पल अपने उतार दिए तुमने? हाँ ठीक है, एक मिनट। तो ये है सिद्धि विनायक टेम्पल की स्टार्टिंग एंट्रेंस, हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है, अभी हाथ गंदे हैं तो मैं पकड़ नहीं सकता, जूते वो तो उतारे थे। चलते हैं अंदर, दर्शन वर्शन करते हैं, बहुत फेमस है, मतलब मुंबई में सबसे फेमस है ये। मैंने सोचा था कि अगर जो मैं मुंबई आऊँगा तो मैं सिद्धि विनायक जरूर होके जाऊँगा, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ पर स्पेशल भी आते हैं दर्शन करने, सिर्फ दर्शन करने। तो चलिए दर्शन करते हैं। बिल्ली मानने वाले मानो, किस्मत हमारी है अच्छी। पूजा कह रही थी कि जो मंदिर है वो बंद रहता है, मतलब हमको बाहर बाहर से दर्शन करने थे, लेकिन आज वो खुला था और हमने अंदर गए थे, दर्शन किया और हमने प्रसाद चढ़ाया, तो हमारे को ये भी मिल गया साथ में। यार किस्मत तो है अच्छी,
मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं हम लकी हैं। तो बकेट लिस्ट में से सबसे पहले चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है, सिद्धिविनायक टेम्पल। अब हम नेक्स्ट जगह जाएंगे। बता पूजा कहाँ जाना है? पूजा बोलते एकदम से मेरे को पकड़ लिया। अच्छा शूज पहनते हैं, मैं तो भूल ही गई थी, वैसे अच्छे नंगे पैर आए हैं। ले ये है हमारी पूजा। चलो हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। हाय कैसे तू? मैं बढ़िया। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है गणपति होना चाहिए। ये 100 रुपए कैसे ले सकते हो? तो कितना ले लो? 40 रुपए। अरे मैडम क्या 40 रुपए क्या? आपको 50 ले लेना रेलवे स्टेशन के। क्या बोलते हैं तुम? अपना दादर स्टेशन दादर मेजर। अरे हाजिर अली, हाजिर अली कैसे बोल रहे हैं? हाजिर अली का बताओ यार सही से। सही से ले दो भाई। चलो 150। हाँ 150 रुपए। चलो थैंक यू भैया, धन्यवाद, हम मान गए। चलो चलो अरे बहुत तेज है मैडम ये। ये मैडम यही की है, इतने निकम्मे लोग हैं ऑटो वाले। और ये दिमाग भी पूरा चूस लेती भैया। अलग तो शेयरिंग में, तभी तो शेयरिंग में नहीं जाना भैया। आगे से कहीं दिखे ना, चढ़ाना मत। 25 लगते हैं या 23 लगते हैं? अरे शाम और 30 रुपए लेते हैं। हम आज जा रहे हैं हाजिर अली दरगाह, और इसके पास में ही माँ लक्ष्मी टेम्पल भी है, वहाँ पे भी जाएंगे। चलो चलते हैं यार, यहाँ पे एक बार कैश की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग UPI नहीं रखते। हाँ इसको दिखाओ, बॉम्बे महंगा है, खाने के लिए महंगा नहीं है, चलने फिरने के लिए महंगा नहीं है यार। यहाँ की कैब सस्ती है, वहाँ सेम डिस्टेंस आपको जो हम ट्रेवल करें ना गुड़गांव दिल्ली में, तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता। हम जा रहे हैं हाजी अली दरगाह, ये साइड पे सारी मार्केट है, अंदर दरगाह है, देखते जहाँ तक हम रिकॉर्ड कर पाएंगे वहाँ तक रिकॉर्ड करेंगे। अगर अगर जो किसी ने कुछ बोला तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे किसी की यू नो प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए व्हेन यू आर एट अ हिस्टोरिकल प्लेसेस और जब रिलीजियस प्लेसेस पे होते हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सेंटीमेंट्स एज वेल। तो हमने ये धागे लिए हैं वहाँ पे बांधने के लिए। जैसे जैसे पास आ रहा है आई एम गेटिंग प्रीटी एक्साइटेड, क्योंकि मैं मोंटी को पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि मोंटी चल चलते हैं दरगाह, चल चलते हैं वहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह, कई बार बोल बैठा हूँ, और हर बार मोंटी कोई ना कोई बहाना लगाया था कि चलेंगे चलेंगे, आज इसका बहाना चला नहीं। चलो अच्छी बात है यार, एटलीस्ट दिल की तमन्ना तो पूरी होगी आज। देखो मानो या ना मानो, पीस तो है यहाँ पे भी, मतलब माइंड काम सा हो गया है, कोई इधर उधर के ख्याल नहीं आ रहे, कोई भसड़ नहीं हो रही दिमाग में। यही पर्पस होता है किसी भी रिलीजियस प्लेस का, कि हाँ आपको थोड़ा शांत कर देता है, आपके माइंड जो इधर उधर भटक रहा होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है। वाइब तो है यहाँ पे। सो अब हम जा रहे हैं महालक्ष्मी टेम्पल। ये हाजी दरगाह और महालक्ष्मी टेम्पल बहुत पास पास में थे, तो हम इन दोनों को एक साथ ही कवर कर रहे हैं। तो चलते चलते कुनाल को अंबानी की बिल्डिंग दिखाई देगी है, ये अंबानी का घर।
एक दिन कुणाल भी यहीं पे काम करेगा। यहाँ पे काम करने बहुत बड़ी बात है भाई। तो बोल रहा हूँ ये तो मैं कहने रहा था कि कुणाल यहाँ रहेगा। कुणाल काम कर सकता है। देख रहे हम तीनों कैसे देख रहे हैं इस बिल्डिंग को, जैसे आज ही चुरा के जाएंगे। आज डाका बनेगा, हमारी दृष्टि पड़ गई, खत्म ही है बिल्डिंग। स्पेशली कुणाल की। ये तो अंदर तक हो भी आई थी वो रहा। कौन सा इधर हम दिखाएं तेरे को? अच्छा मुंबई घुमाई। तू क्या हमको मुंबई घुमाएगी? हम तेरे को मुंबई घुमाते हैं। आज बेइज्जती मत कर। काफी देर से वेट कर रहे हैं। था बुलावा रखा था और जाना बहुत जरूरी था। चलो चलते हैं। नहीं बस एक ही बहुत है दिखाना। एक सेकंड चप्पल जूते निकालना, आप निकाल सकते हैं, पैसे आते तो ये था महालक्ष्मी टेम्पल। अब हम जाएंगे मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, क्लब व्लब जाएंगे। तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा मुझे पता है, अगर मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा तो 25-30 मिनट का व्लॉग बन सकता है, उम्मीद है। तो मैं ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, बाकी इसका सेकेंड पार्ट इसके बाद मैं डालूँगा एक दो दिन के बाद। तो तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट हर बार बताना मत भूलना कि आपको सबसे फेवरेट पार्ट व्लॉग का क्या लगा। सो सी यू इन पार्ट 2 ऑफ मुंबई व्लॉग डे 1।